राधे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो देखिए जी, कढ़ाई ली है कि स्टील की, चमकती हुई बिल्कुल सुंदर एकदम बढ़िया। और ये मैदा ली है जी, और ये लगभग है 2 कटोरी। तो जो नॉर्मल कटोरी हमारी होती है खाने की स्टील की, उससे 2 है, मतलब ये कटोरी के नाप की 2 कटोरी है। और 1 कटोरी लिया है जी गेहूँ का आटा, ये डालेंगे इसके अंदर। और इसमें डालेंगे जी खूब सारा रिफाइंड, इसको करेंगे खस्ता। तो ये डाल दिया जी, लगभग आधा कटोरी रिफाइंड है इसके अंदर तेल। और डालेंगे जी अजवाइन, और डाल देंगे नमक स्वाद से। और इस आटे का बनाएंगे एक बढ़िया खस्ता टो तैयार करते हैं। और देखिए जी, इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल मसलना है एकदम बढ़िया, चाकि चारों तरफ तक हमारा जो तेल है वो अंदर तक पहुंच जाए। और ये देखिए इस तरीके से हो जाए। और थोड़ा थोड़ा डालेंगे नॉर्मल पानी, और हल्का हल्का पानी डाल के इसको करारा एकदम, मतलब सख्त आटा गूंद के तैयार करेंगे। ना ज़्यादा, इतना सख्त भी नहीं, पर सख्त रहेगा आटा। तो देखिए जी, आधा चम्मच, मतलब बिल्कुल छोटी वाली चम्मच जो आती है, समझिए 2 चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे इसमें खाने वाला। तो देखिए जी, आटा एकदम गूंद गया है। और ये क्या है, थोड़ा सा लगा देंगे इसके ऊपर रिफाइंड, इस तरीके से तेल लगा देंगे। और फिर हल्का सा मसल देंगे इसको 2 से 3 मिनट, और फिर छोड़ देंगे जी इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अब देखिए जी, ये है चने की दाल, और इसको भिगाया था मैंने गर्म पानी में। और देखिए आधे घंटे के अंदर ये एकदम बढ़िया फूल के, मतलब अच्छे से भीग चुकी है, फूल चुकी है। और ये देखिए हाथों से भी टूट रही है। तो अब क्या करेंगे, इसका पानी करेंगे जी अलग। तो देखिए जी, पानी से अलग कर लिए दाल को, और जो डालेंगे मिक्सी के जार के अंदर, तो इस तरीके से डाल देंगे जी। तो जी, दाल के अंदर पीसने से पहले कुछ मसाले डालेंगे। तो साबुत जीरा 1 चम्मच, और जी डाल देंगे गरम मसाला 1 चम्मच। उसके बाद डालेंगे हल्की सी हल्दी, बिल्कुल चुटकी भर ना मात्र के। और जी ये देखिए करी पत्ता 8 से 10 डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और नहीं भी डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए जी 4-5 डाल देंगे हरी मिर्च, थोड़ा चटपटा बनाएंगे नाश्ते को आज। और ये देखिए अदरक का 1 टुकड़ा, ये डाल देंगे। और अभी इसको मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। तो देखिए जी, बिल्कुल दरदरा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है हमने, देखिए। और बिना पानी के पीसा है, बिल्कुल आसानी से पीस चुका है। तो अब इसको निकाल लेंगे जी एक बर्तन के अंदर। तो देखिए जी, थोड़ी सी डालेंगे कश्मीरी लाल, और मिर्ची ध्यान से डालें क्योंकि पहले भी डाली है। और थोड़ी डाल देंगे जी नमक, तो नमक डालेंगे स्वाद से। ये डाल दीजिए नमक, आटे के अंदर भी ये नमक, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा एक फिलिंग बनकर तैयार हो गई है चना की दाल की। चलो जी, आटा चेक कर लेते हैं हमारा। देखिए अच्छे से बिल्कुल बढ़िया हो गया है, सॉफ्ट। और एक बार इसको ऐसे मसल लेंगे थोड़ा सा। और जी इस तरीके से लोइया तोड़ लेंगे गोले इस टाइप के, और देखिए ये इस तरीके से बनाएंगे। और इसके अंदर इस तरीके से करेंगे ताकि फिलिंग हमारी चने दाल की इसके अंदर भर सकें हम। और ये रखेंगे जी इसके अंदर इस तरीके से, और धीरे धीरे इसको दबाते हुए फोल्ड करके बंद करेंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आराम से जी देखिए फोल्ड कर देंगे आटे को। ये हो गया जी फोल्ड, और इसको एक बार इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे, चारों तरफ से बंद कर देंगे ताकि बाहर ना निकले। और हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल कचौरी के शेप में देना है हमको, जो बाज़ार में खस्ता कचौरी मिलती हैं उसकी शेप में कर देंगे इसको। तो देखिए जी, सभी कचौरियों को इस तरीके से बना के रेडी करके रख लेंगे, ये परफेक्ट साइज बन गया। आप चाहें तो और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वाह जी वाह, देखिए कितनी बन चुकी हैं कचौड़ी, होगी रेडी। अब इनको फ्राई करेंगे तेल के अंदर। और देखिए जी, तेल पहले तेज गर्म करेंगे, फिर करेंगे मीडियम, और मीडियम गैस पे ही इनको डाल डाल के धीरे धीरे खस्ता होने तक सिकने देंगे गोल्डन। और दो दो डाल लेंगे, तीन तीन डालेंगे, मतलब जिस हिसाब से आपकी कढ़ाई है उस हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल बाजार जैसी जो खस्ता कचौरी मिलती है हमें, बिल्कुल सेम टू सेम बनकर तैयार होंगी जी, एकदम बढ़िया। देखिए और देखिए, कम आँच पे ही इनको तलें, और देखिए कितने अच्छे से ये फूल रही है, देखिए बिल्कुल बाजार की तरह। वाह जी वाह, देखिए। तो इसी तरीके से आप भी जरूर ट्राई कीजिए जी, देखिए वाह, धीरे धीरे पकने देंगे।
देखिए जी, ये तो हो चुकी है, पक चुकी है हमारी एकदम फ्राई अच्छी तरीके से, और ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार हो गई है। और बाजार में पता ही आपको सिर्फ मैदे में ही बनाते हैं वो लोग ज़्यादातर, पर मैंने गेहूं का आटा डाला इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा कम करेंगे मैदा, तो इस तरीके से फिर भी देखिए परफेक्ट बन के तैयार हो गई है, और इसी तरीके से सबको तल लेंगे। तो देखिए जी, सभी कचौरियाँ बन के चने की दाल की खस्ता एकदम तैयार हैं, तो आइए मिल के खाते हैं। और देखिए बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, आप भी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए, आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जब बच्चों को कुछ टिफ़िन में नया देना हो या कुछ नया खाने का मन हो चाय के साथ इवनिंग में, या 10 बजे की जो चाय, तो आप उस टाइम पे भी इनको बना के फटाफट यूज कर सकते हैं, और ये फटाफट बन के तैयार हो जाती हैं। तो बाकी जी देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी सब खाइए पीजिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।